गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने स्टार्ट किया हुआ चैप्टर 6 और उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे आज का हमारा टॉपिक है इनवर्स पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद इसके बेस्ड पे थ्योरम्स करेंगे। क्या डेफिनेशन है? टू पॉइंट्स ए एंड बी। एक पॉइंट क्या है? जेड इज इक्वल टू ए एंड बी पॉइंट है जेड इज इक्वल टू बी आर सेट टू बी अ इनवर्स पॉइंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। और यहाँ पर ओ पर क्या है? जेड की वैल्यू जेड नोट एंड रेडियस आर। हमारे पास में दो पॉइंट्स ले लिए, ये हमने एक सर्कल ले लिया जिसका सेंटर क्या है? ओ, जहाँ पर जेड की वैल्यू क्या है? जेड नोट। एक इसके अंदर पॉइंट ले लिया और एक सर्कल के एक्सटेरियर पॉइंट ले लिया बी। यहाँ पर पॉइंट की वैल्यू जेड इज इक्वल टू ए है एंड जेड इज इक्वल टू बी है। हमने सर्कल ले लिया जिसका रेडियस क्या दिया लिया ले लिया हमने आर। ठीक है, तो ए एंड बी को हम क्या बोलेंगे? इनवर्स पॉइंट बोलेंगे। उस इनवर्स पॉइंट कब आएंगे? जब ये तीनों ही पॉइंट्स जो होंगे वो हमारे क्या आएंगे? कोलिनियर एक ही लाइन के अंदर लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास तीनों, इफ़ ओ ए बी आर कोलिनियर, दे आर लाई इन द सेम लाइन। एंड दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि इसकी डिस्टेंस ओ ए एंड ओ बी की जो डिस्टेंस है उनका प्रोडक्ट जो है वो रेडियस स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। तो ओ ए हमारे पास क्या है? मॉडुलस ऑफ ये जो डिस्टेंस होएगी हम इसी तरीके से निकालते हैं, मॉडुलस ऑफ ए माइनस जेड नोट। और ओ बी जो होएगा वो क्या होएगा? बी माइनस जेड नोट। तो इनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर ये कंडीशंस है तो हम क्या कह सकते हैं कि ए और बी जो है वो हमारे पास क्या है? इनवर्स पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी थ्योरम है इफ अल्फा बीटा आर द इनवर्स पॉइंट ऑफ अ सर्कल। अगर अल्फा और बीटा इनवर्स पॉइंट है सर्कल का, देन इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, इक्वेशन जो होगी सर्कल की वो हमारे पास में किस तरीके की होनी चाहिए? तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल हमारे पास में ये होनी चाहिए जेड माइनस अल्फा मॉडुलस ऑफ जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड माइनस बीटा इज इक्वल टू के, वेयर के इज़ नॉट इक्वल टू वन। क्योंकि के अगर वन के इक्वल आएगा तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? सर्कल की इक्वेशन आओगी, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। एंड के इज़ नॉट इक्वल टू वन बट इट इज़ अ रियल कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब देखिए हमें अल्फ़ा बीटा इनवर्स पॉइंट दिया हुआ है सर्कल का। कहीं पर भी अगर अल्फ़ा बीटा इनवर्स पॉइंट होएगा सर्कल का तो ये इक्वेशन, ये लाइन मतलब ये जो इक्वेशंस दी हुई वो सेटिस्फाई करेगा, वेयर के इज़ नॉट इक्वल टू वन। ठीक है, आगे हम यूज़ करेंगे इसका, बट अभी हम प्रूव कर लेते हैं कि अगर अल्फ़ा बीटा इनवर्स पॉइंट है सर्कल का तो ये जो इक्वेशन है वो सर्कल की इक्वेशन होएगी। ठीक है, इसी को हम ले लेते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है? अल्फ़ा एंड बीटा आर इनवर्स पॉइंट्स। अल्फ़ा और बीटा हमें क्या दिया हुआ? इनवर्स पॉइंट्स दिए हुए हैं। और किस सर्कल के इनवर्स पॉइंट? हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सर्कल ले लिया हमने, ये पॉइंट हमने इसका सेंटर ले लिया सर्कल का जेड नोट। ठीक है, और इसकी रेडियस हमने ले ली आर। अब हम, हमारे पास अल्फ़ा दिया हुआ तो हमने एक पॉइंट यहाँ पर ए ले लिया जहाँ पर जेड की वैल्यू अल्फ़ा है। ठीक है, एक हमने एक्सटीरियर पॉइंट ले लिया जहाँ पर जेड की वैल्यू बीटा है। तो इस तरीके का हमने सर्कल ले लिया जिसका सेंटर जेड नॉट है और रेडियस आर है। सो अल्फ़ा बीटा आर द इनवर्स पॉइंट, ये इनवर्स पॉइंट है किस सर्कल के? विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल, सर्कल क्या है हमारे पास? मोड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट सेंटर एंड दिस इज इक्वल टू रेडियस। सर्कल की इक्वेशन ही होती है जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर। अब आपको क्या दिया हुआ है? अल्फ़ा और बीटा हमें इनवर्स पॉइंट दिए हुए हैं जो कि ए और बी पॉइंट है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स पॉइंट हमारे पास में क्या हो जाएगा? सो दैट ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से एक को हम लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ओ बी हमारे पास में बी लेट कर लिया हमने। ठीक है, ओ बी को अगर हम बी लेट करेंगे तो हमारे पास में ओ ए जो है वो किसके, सॉरी ओ ए को हमने बी लेट कर लिया तो ओ बी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? आर स्क्वायर अपॉन ओ ए, और ओ ए हमारे पास क्या है? बी। सो आर स्क्वायर अपॉन बी के इक्वल आ गया। ठीक है, उसके बाद हम एक और कंडीशन टेक कर लेते हैं कि सपोज दैट कि अल्फ़ा माइनस जेड नोट, इनकी जो डिस्टेंस है अल्फ़ा माइनस जेड नोट, ये वाला पॉइंट ए माइनस जेड नोट था, अब यहाँ पर ए क्या है? अल्फ़ा, और बी क्या है हमारे पास में? बीटा। तो इसको हम कुछ लेट कर लेते हैं, अल्फ़ा माइनस जेड नोट को हमने लेट कर लिया बी ई की पावर आयोटा लैम्डा लेट कर लिया। ठीक है, अल्फ़ा माइनस जेड नोट को हमने क्या ले लिया? ओ ए हमारे पास डिस्टेंस जो है वो क्या दी हुई है? बी दी हुई है। तो इतना जो डिस्टेंस होएगा, देखो ओ ए जो है यहाँ से, ओ ए जो हमने डिस्टेंस ली ओ हमारे पास में है वो हमने क्या ले ली? बी डिस्टेंस ले ली। तो अल्फ़ा माइनस जेड नोट
ये वाली अल्फा माइनस जेड नोट को हम लिखते हैं क्योंकि सर्कल के अंदर है, तो बी ई की पावर आयोटा लैम्डा। इसी तरीके से बीटा माइनस जेड नोट हमारे पास में क्या आ जाएगा, ओ बी हमारे पास में क्या था, आर स्क्वायर अपॉन बी। सो ये कंडीशन हमारे पास बीटा माइनस जेड नोट क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन बी और ई की पावर आयोटा लैम्डा। ठीक है, ये आ गया जो कांस्टेंट था ई की पावर आयोटा लैम्डा, हमने लगा दिया इसके बारे में। अब कोई भी पॉइंट अगर हम इस सर्कल के ऊपर अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, नाउ एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल हमारे पास क्या है, हम सर्कल ले रहे हैं जेड माइनस जेड नोट, कोई भी पॉइंट यहाँ पे जो है वो जेड होएगा। सो ये सर्कल की इक्वेशन है जेड माइनस जेड नोट इज इक्वल टू आर आर सॉरी ठीक है जेड माइनस जेड नोट इज इक्वल टू आर, ये सर्कल की इक्वेशन है। तो इसके ऊपर अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो हमारे पास में किस तरीके का पॉइंट होता है, ई की पावर आर इंटू ई की पावर आयोटा थीटा, पोलर इक्वेशन जो हम लेते हैं। तो ये हमारे पास कंडीशन होती है कि अगर हम कोई पॉइंट ले रहे हैं सर्कल के ऊपर जिसका रेडियस आर है, तो उस पॉइंट की वैल्यू क्या होती है, आर ई की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, तो ये कंडीशन हम यूज़ करें। अब ये सारी वैल्यूज़ को हम इसके अंदर यूज़ करेंगे जो हमें प्रूफ ये प्रूफ करना ना इक्वल टू के, तो यहाँ ले लेते हैं। तो मोड ऑफ जेड माइनस अल्फ़ा अपॉन जेड माइनस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, मोड ऑफ जेड माइनस अल्फ़ा अपॉन जेड माइनस बीटा। ठीक है, तो जेड माइनस जेड नोट आर ई की पावर आयोटा थीटा आ गया। तो जेड की जगह हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से जेड की वैल्यू निकाली, जेड इज इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा प्लस जेड नोट आ जाएगा। ठीक है, तो ये लगा देते हैं जेड की जगह ये वैल्यू, ये आ जाएगा हमारे पास में जेड नोट प्लस आर ई की पावर आयोटा थीटा माइनस अल्फ़ा, एंड नीचे भी सेम आ जाएगा जेड नोट प्लस आर ई की पावर आयोटा थीटा माइनस बीटा। ठीक है, ये आ गया। अब जेड नोट माइनस अल्फ़ा को इकट्ठा लिख लेते हैं, जेड नोट माइनस अल्फ़ा और इस इक्वेशन को हम आर ई की पावर आयोटा थीटा को बाहर निकाल दिया। इसी तरीके से जेड नोट माइनस बीटा प्लस आर ई की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब जेड नोट माइनस अल्फ़ा को हमने क्या पुट किया है, यहाँ से ये वैल्यूज रख देंगे इसके अंदर। तो जेड नोट माइनस अल्फ़ा हमारे पास में क्या आ गया, ये वैल्यू थी अल्फ़ा माइनस जेड नोट, तो जेड नोट माइनस अल्फ़ा नेगेटिव ये आ जाएगा हमारे पास, जेड नोट माइनस अल्फ़ा क्या हो जाएगा माइनस बी ई की पावर आयोटा लैम्डा हो जाएगा। इसी तरीके से ये वैल्यू भी आ जाएगी नेगेटिव में, तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, माइनस बी ई की पावर आयोटा लैम्डा एंड प्लस आर ई की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, नीचे भी क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगी ये भी, माइनस आर स्क्वायर अपॉन बी ई की पावर आयोटा लैम्डा एंड प्लस आर ई की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसी इसी को अगर हम लेते हैं, इसी इक्वेशन को लिख रही हूँ मैं, पॉजिटिव वाला पहले लिख देती हूँ, ई की पावर आयोटा थीटा माइनस बी ई की पावर आयोटा लैम्डा। ठीक है, अपॉन में अगर हम एलसीएम ले रहे हैं इसका और आर कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, तो हमारे पास में क्या आएगा, आर कॉमन निकाल लिया और बी का एलसीएम ले लिया तो वो ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास में बी ई की पावर आयोटा थीटा एंड माइनस आर ई की पावर आयोटा लैम्डा। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई, b अपॉन r इज इक्वल टू दिस। अब इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, ये हमारे पास में क्या वैल्यू आई थी, b अपॉन r को अगर हम k ले लेते हैं, ठीक, या पुट कर लेते हैं b अपॉन r को अगर हम k ले लेते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो किसकी आ रही है, z माइनस अल्फ़ा अपॉन z माइनस बीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं। सो z माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू अपॉन जेड माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी अपॉन आर आया था उसको हमने के पुट कर दिया, एंड मॉडुलस के अंदर वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास में, आर ई की पावर आयोटा थीटा माइनस बी है, तो ये आर ई की पावर आयोटा थीटा एलर थ्योरम का अगर हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, तो हमारे पास में ये वैल्यू क्या आ जाएगी, आर कोस थीटा माइनस प्लस आयोटा आर साइन थीटा। ठीक है, एंड दूसरी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास में, माइनस बी ई की पावर आयोटा लैम्डा, तो वो हम वैल्यू लगा देते हैं माइनस बी कोस लैम्डा प्लस आयोटा बी साइन लैम्डा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई मॉडुलस के अंदर। नाउ सिमिलरली नीचे भी हमारे पास में ऐसी वैल्यू आ जाएगी, तो नीचे वाली जो टर्म आ रही है उसके अंदर हमारे पास में क्या आ रहा है, नीचे वाली टर्म में बी पॉजिटिव आ रहा है और आर नेगेटिव आ रहा है, तो ये आ जाएगी बी कोस थीटा प्लस आयोटा बी साइन थीटा एंड माइनस आर कोस थीटा, ये आ जाएगा ना आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसमें से हम के हमने ले लिया, बी अपॉन आर को के ले लिया। नाउ
इसी को हम आयोटा वाली टर्म्स को अलग कर देते हैं और सिंपल टर्म्स को अलग ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, आर कोस थीटा माइनस बी कोस लैम्डा एंड प्लस आयोटा कॉमन निकाल लिया तो ये आ जाएगा आर साइन थीटा, ये आ जाएगा माइनस बी साइन लैम्डा, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, अपॉन में भी रियल और इमेजनरी पार्ट को सेपरेट कर देते हैं, सो बी कोस थीटा माइनस आर कोस थीटा, ठीक है, कोस लैम्डा, ये लैम्डा आएगा, सॉरी ये हमारे पास लैम्डा आ जाएगा, कोस लैम्डा आर कोस बी कोस थीटा माइनस आर कोस लैम्डा एंड प्लस आयोटा बी साइन थीटा माइनस आर साइन लैम्डा, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो अगर हमारे पास मॉडुलस ऑफ ए प्लस आयोटा बी होता है उसको हम क्या लिखते हैं, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं, सो दिस इज़ इक्वल टू के एंड ये सारी वैल्यू हम स्क्वायर के अंदर ले रहे हैं। तो ए हमारे पास क्या है, ये रियल वाला पार्ट और बी क्या है, इमेजिनरी पार्ट, दोनों के लिए हम यही यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर को स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर को स्क्वायर लैम्डा माइनस टू आर बी कोस थीटा कोस लैम्डा, ठीक है। एंड दूसरे में आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर वाली टर्म्स को मैं ऐसे लिखती हूँ, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर लैम्डा माइनस टू आर बी साइन थीटा साइन लैम्डा, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, अपॉन में इस पूरे की पावर क्या हमारे पास में, वन बाई टू, ठीक है, रूट के अंदर ले रहे हैं इसलिए पावर पूरे की वन बाई टू। नीचे वाला कर लेते हैं, ये आ जाएगा बी स्क्वायर को स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर को स्क्वायर लैम्डा माइनस टू बी आर कोस थीटा कोस लैम्डा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर लैम्डा माइनस टू बी आर साइन थीटा साइन लैम्डा, ठीक है। अब आर स्क्वायर को स्क्वायर थीटा एंड आर स्क्वायर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, आर स्क्वायर ही आ जाएगा, को स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज़ वन, बी स्क्वायर को स्क्वायर लैम्डा एंड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर लैम्डा, ये भी क्या आ जाएगा, वन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर। इसमें से अगर हम कॉमन निकालते हैं, माइनस टू आर बी कॉमन निकालिए तो अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास में, कोस थीटा कोस लैम्डा प्लस साइन थीटा साइन लैम्डा, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अपॉन में भी सिमिलरली बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर, सिमिलरली फॉर आर स्क्वायर, एंड यहाँ पर हमारे पास में कॉमन निकल जाएगा, माइनस टू बी आर कॉमन निकल गया, कोस थीटा कोस लैम्डा प्लस साइन थीटा साइन लैम्डा, ये आ गया, इस पूरे की पावर वन बाई टू। तो सेम ही टर्म आ रही है, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा वन की पावर वन बाई रूट टू, दिस इज इक्वल टू के। ये हमारे पास में क्या आ गया, के की इक्वल ही आ गई वैल्यू। सो हम किसके इक्वल लेके चले थे, जेड माइनस अल्फा अपॉन में जेड माइनस बीटा की इक्वल लेके चले थे एंड वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, के आ गई, ठीक है। वेयर के इज़ नॉट इक्वल टू वन एंड के को हमने क्या पुट किया, बी अपॉन आर, तो के वन के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स कि बी इज़ नॉट इक्वल टू आर। सो यही हमने प्रूफ करना था कि अगर अल्फ़ा और बीटा जो है वो अगर इन्वर्स पॉइंट है तो जो सर्कल की इक्वेशन होएगी वो इस टाइप की इक्वेशन होएगी, वेयर के इज़ नॉट इक्वल टू वन, ठीक है। नेक्स्ट हमारी थ्योरम है, नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है कि प्रूव दैट एवरी, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, प्रूव दैट एवरी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन मैप सर्कल और स्ट्रेट लाइन इनटू सर्कल और स्ट्रेट लाइन। हमें प्रूफ क्या करना है कि एवरी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स अ सर्कल इनटू अ सर्कल और स्ट्रेट लाइन इनटू अ स्ट्रेट लाइन। मतलब कि अगर ये जेड प्लेन है, जेड प्लेन के अंदर अगर हमारे पास में सर्कल है तो हमें प्रूफ करना है कि डब्ल्यू प्लेन के अंदर भी हर एक पॉइंट जो है वो यहाँ पर मैप करेगा इस तरीके से, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो उस वो भी हम यहाँ डब्ल्यू प्लेन के अंदर, ये क्या हमारे पास में जेड प्लेन, तो जेड प्लेन के अंदर अगर कोई सर्कल है तो उसके सारे पॉइंट्स यहाँ मैप करके वो डब्ल्यू प्लेन के अंदर क्या बनाएंगे, एक सर्कल ही बनाएंगे। अगर यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है तो वो पॉइंट्स मैप करके यहाँ डब्ल्यू प्लेन के अंदर भी हमारे पास में क्या आएंगे, एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। तो ये हमने प्रूफ करना है, नाउ प्रूफ करते हैं हम इक्वेशन ले लेते हैं सर्कल की, और अभी जो हमने इन्वर्स पॉइंट
पढ़ा है उसी का यूज़ करके। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद अल्फा एंड बीटा द इनवर्स पॉइंट ले लेते हैं जेड प्लेन के अंदर। सो द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद अल्फा एंड बीटा एज इनवर्स पॉइंट, ठीक है, इन जेड प्लेन। जेड प्लेन के अंदर हमने क्या ले लिया, एक सर्कल ले लिया जहाँ पर अल्फा बीटा जो है वो इनवर्स पॉइंट है। तो इक्वेशन क्या होगी सर्कल की, इज गिवन बाय, इक्वेशन क्या होगी, अभी हमने जो थ्योरम करी है वहाँ पर अगर अल्फा बीटा किसी भी इनवर्स पॉइंट लेते हैं तो इक्वेशन सर्कल की हमारे पास क्या होती है, जेड माइनस अल्फा जो भी इनवर्स पॉइंट है अपॉन जेड माइनस बीटा इज इक्वल टू के, ठीक है, वेयर के इज नॉट इक्वल टू वन, ये कंडीशन होती है हमारे पास में, क्योंकि के अगर वन होएगा तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। नाउ अब इन्होंने कहा है कि क्वेश्चन में क्या कहा था कि मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी थी, तो हम मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी लिख लेते हैं। मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या होती है, W इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, और कंडीशन क्या होती है, ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये कंडीशन होती है। अब इसी का यूज़ कर लेते हैं, यहाँ से हम Z की वैल्यू निकालते हैं इसको सॉल्व करके, तो इसका एलसीएम लेके हमारे पास में क्या आ जाएगा, डब्ल्यू सी जेड प्लस डब्ल्यू डी इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी, ठीक है, Z वाली टर्म्स को इकट्ठा ले लिया, देन डब्ल्यू सी जेड माइनस ए जेड इज इक्वल टू बी माइनस डब्ल्यू डी, दिस इम्प्लाइज Z कॉमन ले लिया हमने, हमारे पास क्या आ गया, डब्ल्यू सी माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस डब्ल्यू डी, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम ले लेते हैं Z, Z की वैल्यू निकाल लेते हैं, Z क्या आ जाएगा हमारे पास में, B माइनस डब्ल्यू डी अपॉन सी डब्ल्यू माइनस ए, ये आ जाएगा। अब इसको भी हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इजीली, इसको डब्ल्यू डी को आगे ले आते हैं क्योंकि हम इस तरीके की इक्वेशन नहीं निकालते, तो माइनस कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा डब्ल्यू डी माइनस बी, ठीक है, डब्ल्यू डी माइनस बी, इसको भी इसी तरीके से माइनस को हटाते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास में माइनस ऑफ डब्ल्यू सी प्लस ए आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो जेड की वैल्यू आ गई डब्ल्यू डी माइनस बी अपॉन माइनस डब्ल्यू सी प्लस ए, ये जेड की वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देते हैं, ठीक है, इसके अंदर पुट कर देते हैं, सो वी गेट मोड ऑफ जेड की जगह ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ये आ गया डी डब्ल्यू माइनस बी अपॉन माइनस सी डब्ल्यू प्लस ए माइनस अल्फा अपॉन में आ जाएगा, अपॉन में भी ये वैल्यू आ जाएगी डी डब्ल्यू माइनस बी अपॉन में माइनस सी डब्ल्यू प्लस ए माइनस बीटा, और ये वैल्यू किसकी इक्वल है, के की इक्वल है, ठीक है, इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा डी डब्ल्यू माइनस बी माइनस सी डब्ल्यू अल्फा प्लस ए अल्फा, ठीक है, वैल्यू ये आ गई, एंड नीचे हमारे पास में क्या आ जाएगा, डी डब्ल्यू माइनस बी प्लस सी डब्ल्यू बीटा माइनस ए बीटा विच इज़ इक्वल टू के, ये कैंसिल हो जाएगा आपस में। अब यहाँ से डब्ल्यू को कॉमन निकाल लेते हैं, सो मॉडुलस ऑफ डब्ल्यू हम कॉमन निकालें तो हमारे पास क्या बचेगा, डी माइनस सी अल्फा, ठीक है ना, ये वैल्यू में प्लस सी अल्फा आ जाएगा यहाँ पे, एक मिनट रुको, ये आगे डी डब्ल्यू माइनस बी, ये प्लस सी अल्फा और ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से डब्ल्यू कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास क्या बच गया, डब्ल्यू कॉमन निकालिए डी आ गया, प्लस में क्या आ जाएगा सी अल्फा, एंड यहाँ से माइनस कॉमन निकाल के आ जाएगा बी, या हम लिख सकते हैं ए अल्फा प्लस बी, ठीक है, ए अल्फा प्लस बी, नीचे भी सेम है, डब्ल्यू को कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या रह गया, डी प्लस सी बीटा, एंड इसमें से माइनस कॉमन निकाल लिया तो ए बीटा प्लस बी विच इज़ इक्वल टू के, ठीक है, ये दिया हुआ। अब अगर इस पूरी टर्म को कॉमन निकाल लेते हैं, सो वी गेट यहाँ से आपके पास क्या आएगा, डी प्लस सी अल्फ़ा कॉमन निकाल लिया, और नीचे हमने क्या कॉमन निकाल लिया, सी डी प्लस सी बीटा, ठीक है, ये टर्म्स हमने दोनों साइड में कॉमन निकाल ली, तो अंदर वाले टर्म में क्या बच जाएगा मेरे पास में, अंदर बच जाएगा डब्ल्यू माइनस, ये डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर, ए अल्फ़ा प्लस बी अपॉन में
सी अल्फा डी प्लस सी अल्फा, ठीक है। इसी तरीके से नीचे वाली टर्म में भी क्या आ जाएगा, डब्ल्यू माइनस ए बीटा प्लस बी अपॉन में, अपॉन में वैल्यू आ जाएगी डी प्लस सी बीटा, और ये सारी वैल्यू किसके इक्वल है, के इक्वल है, ठीक है। अब देखो जो हमारे पास ये वैल्यू आई है इसको अगर हम अल्फ़ा डैश पुट करते हैं, अल्फ़ा डैश अगर हम इसको ले लेते हैं, अल्फ़ा डैश हम क्या ले लेते हैं, ए अल्फ़ा प्लस बी अपॉन में डी प्लस सी अल्फ़ा, इसको हमने अल्फ़ा डैश ले लिया। एंड नीचे वाली टर्म को अगर हम बीटा डैश ले लेते हैं, ए बीटा प्लस बी अपॉन में डी प्लस सी बीटा, अगर हम इसको ले लेते हैं बीटा डैश, ठीक है। ये वैल्यू हमने ले ली, अल्फ़ा डैश हमने ले लिया ये, और बीटा डैश हमने ये वैल्यू से ले ली, ठीक है। नौ अल्फ़ा डैश अगर हम इसको जेड भी पुट कर देते हैं तब भी हमारे पास कोई बात नहीं है, अगर हम इसको ले रहे हैं अल्फ़ा डैश और यहाँ पर जेड पुट कर रहे हैं, वेयर जेड इज़ इक्वल टू अल्फ़ा, सिमिलरली ये भी हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसको भी अगर हम जेड पुट कर रहे हैं तो हम यहाँ लिख देंगे कि जेड इज़ इक्वल टू बीटा, ठीक है। तो ये अल्फ़ा डैश और बीटा डैश है, ये हमारे पास में टर्म अब आपके पास में क्या आ गई, डब्ल्यू माइनस अल्फ़ा डैश अपॉन डब्ल्यू माइनस माइनस बीटा डैश, ठीक है। और इसको हमने कॉमन निकाल दिया, देखो वहाँ से हमारे पास में टर्म आ गई डी प्लस सी अल्फ़ा, ये आ गई, ठीक है। इसको उधर ले जाएंगे, दिस इम्प्लाइज मॉडुलस ऑफ डब्ल्यू माइनस अल्फ़ा डैश अपॉन डब्ल्यू माइनस बीटा डैश इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, के सी बीटा प्लस डी अपॉन में डी प्लस सी अल्फ़ा, ये आ गई, ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास में। अब अगर हम इस पूरे को, इस पूरी वैल्यू को अगर हम के डैश पुट करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, डब्ल्यू माइनस अल्फ़ा डैश अपॉन डब्ल्यू माइनस बीटा डैश इज इक्वल टू के डैश, ये आ गया ना। अब अगर क्योंकि के वन के इक्वल नहीं है, के वन के इक्वल नहीं है तो के डैश भी वन के इक्वल नहीं होएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, के डैश इज नॉट इक्वल टू वन इवन इफ के इज नॉट इक्वल, अगर के हमारे पास क्या है, के डैश इज नॉट इक्वल टू वन इवन इफ के इज इक्वल टू वन, ठीक है, ये आ गया हमारे पास कंडीशन। अब ये डब्ल्यू मैप के अंदर हमारे पास में जो इक्वेशन आई है, यहाँ पर अल्फ़ा डैश और बीटा डैश को अगर हम इन्वर्स पॉइंट ले रहे हैं तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, वेयर के डैश इज़ नॉट इक्वल टू वन, तो ये जो इक्वेशन आई है वो क्या आई है, सर्कल की इक्वेशन आई है, वेयर अल्फ़ा डैश एंड बीटा डैश इज अ इन्वर्स पॉइंट इन डब्ल्यू प्लेन, तो दिस इज़ अ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन डब्ल्यू प्लेन। तो हमने जो इक्वेशन लेके चली थी जेड प्लेन के अंदर वो भी हमारे पास एक सर्कल की इक्वेशन थी, विच मैप्स अ सर्कल इन डब्ल्यू प्लेन। अब हम जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट हमारी जो इक्वेशन थी वो क्या थी, z माइनस अल्फ़ा अपॉन z माइनस बीटा, ठीक है, ये था, विच इज़ इक्वल टू k, अगर हम k को 1 ले लेते हैं तो ये इक्वेशन जो है वो हमारे पास में क्या आ जाएगी, विच इज़ इक्वल टू 1, अगर हम k को 1 ले लेते हैं तो ये वाली जो इक्वेशन है वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। अब हम अल्फ़ा और बीटा की अगर बात करते हैं, अब यहाँ पर देखो इस तरीके से हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, तो एक पॉइंट हमारे पास अल्फ़ा इधर है तो उसी का इन्वर्स पॉइंट क्या होएगा, नीचे आएगा बीटा, तो ये इस लाइन को बाइसेक्ट करेंगे परपेंडिकुलरली, ठीक है, तो विच बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली विच लाइन जॉइनिंग दिस, तो ये हमारे पास यही हमने निकालना था कि मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेड प्लेन मैप्स इनटू सर्कल इन डब्ल्यू प्लेन, एंड अगर हमारे पास में ये जेड प्लेन के अंदर स्ट्रेट लाइन आती है तो वो मैप करती है डब्ल्यू प्लेन के अंदर भी स्ट्रेट लाइन, वेयर अल्फा बीटा इज अ इन्वर्स पॉइंट विच बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली टू अ लाइन, ठीक है। तो इस तरीके से ये थ्योरम, दोनों थ्योरम करनी है, दोनों ही थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी जो थ्योरम हमने करी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छी तरह से आप कर लेना, कल कुछ और एग्जाम्पल्स करेंगे, थैंक यू।